नमस्कार साथियों, कैसे हैं? तो जो बच्चे नीट 2024 का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म केयरफुली अप्लाई करने से पहले स्टडी कर लीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा, टाइम लेके अप्लाई कीजिएगा। तो बहुत सारे फॉर्म बच्चे क्वेरी सकते करने हैं से कि जो पहले, बच्चे आप लोगों को डाउट है कंपार्टमेंट वाले का, इंप्रूवमेंट वाले का, फेल्यूर वाले का, एडिशनल वाले का, तो इनका स्कूल नेम, पिन कोड, एड्रेस क्या होगा, पासिंग होगा या अपियरिंग डालना है। इंप्रूवमेंट वाले का जो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में आरटी आया हुआ है और उनका 6 सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट में आरटी आया हुआ है, वो अगर इस बार इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो उनको पासिंग लिखना है या फिर अपियरिंग लिखना है। एडिशनल में जो बच्चे 2022 के थे, जो बच्चे 6 सब्जेक्ट था, 5 में पास कर गए थे और मेन जो मेन सब्जेक्ट था बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में से अगर फेल कर गए थे, वो एज ए एडिशनल अप्लाई किए हैं इस बार 2024 में, तो वो भी अपियरिंग डालेंगे कि पास डालेंगे, सब हम लोग चेक करेंगे। पासिंग ईयर क्या होगा, स्कूल नेम क्या होगा, पिन कोड क्या होगा, टाइप ऑफ स्कूल क्या होगा, रोल नंबर क्या लिखना है, ये सब का डाउट हम सारे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो बच्चे फेल्योर कर गए थे उसका भी कैसे अप्लाई करना है वो भी हम क्लियर करेंगे। इसके बाद आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी कंफ्यूजन है और नीट का फॉर्म अप्लाई करना है सही तरीके से। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग हमारी टीम के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल फी में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे और हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कैसे अप्लाई अपना चेक करना है। करते हैं। तो क्लास 10th का हमने ओपन किया है यहाँ पे। अगर आप पास हैं क्लास 10th, कौन सा ईयर है, यहाँ पे ईयर डाल दीजिए और यहाँ पे अर्बन है कि रूरल है वो डाल दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है देख लेना। अगर CBSE हो या फिर कोई और बोर्ड हो, प्राइवेट है तो प्राइवेट अनएडेड या फिर केंद्रीय विद्यालय है तो आप डाल देना। प्राइवेट अनएडेड में डाल दिया। स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या था, स्टेट मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना, उसी के हिसाब से आपको स्टेट कोटा मिलेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, भोपाल, जहाँ से आपने एग्जाम पास किया। कौन सा बोर्ड था, सेंट्रल बोर्ड, यहाँ पे स्कूल डाल देना, स्कूल, कॉलेज नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे जो भी आपके मार्कशीट पे उस लिखा रहेगा स्कूल का नाम वो यहाँ पे नेम लिख देना है और यहाँ पे स्कूल का पिन कोड डालना है, मतलब कि स्कूल कॉलेज पिन कोड, ये पिन कोड आप डाल दीजिएगा उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड जिस जहाँ पे स्कूल है। ओके क्लियर, स्कूल का पिन कोड आप ध्यान रखिएगा। ओके फिर आते हैं यहाँ पे रोल नंबर आप डाल दीजिएगा, 8 डिजिट रोल नंबर, आप परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, परसेंटेज या फिर CGPA होगा। क्लियर, ये देख लेना है। यहाँ पे आपको डालना है टोटल मार्क्स कितने का है, तो 500 का है यहाँ डाल देना है। और यहाँ पे कितना आपने पाया, 450 पाया, आपको 90% यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। ये आपका 10th का था, उसमें ज़्यादा डाउट नहीं है। 11th वाले बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, पास या फिर नॉट एप्लीकेबल। अगर आप 11th पास हैं, रेगुलर बच्चे हैं, आप 10th पास, 11th पास हैं, यहाँ पास दिखाइएगा और अपना ईयर ऑफ पासिंग ईयर मान लेते हैं 2023 में बोर्ड किया है तो 2022 दिखाइएगा। क्वालिफाई एग्जामिनेशन क्या होगा, 11th इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन या रूरल, तो आप देख लीजिएगा, गाँव में है तो रूरल, शहर में तो अर्बन। टाइप ऑफ स्कूल क्या हो गया, तो यहाँ प्राइवेट अनएडेड या फिर जो भी देख लेना, केंद्रीय विद्यालय मैंने अनएडेड कर दिया। क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्टेट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं मध्य प्रदेश डाल लेता हूँ मैं। क्वालिफाई एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप क्वालिफाई किए हैं, तो मान लेते हैं कहाँ पे आपके स्कूल है, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। स्कूल बोर्ड कौन सा है, तो सेंट्रल बोर्ड, आपका जो स्टेट बोर्ड है स्टेट बोर्ड डाल देना, ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेंट्रल बोर्ड यहाँ पर सर्च कर लेना, केयरफुली अप्लाई करना। स्कूल कॉलेज नेम, नाम क्या है स्कूल का, कॉलेज का, और उसका एड्रेस ये डाल देना। ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपके मार्कशीट पे मिलेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर, फिर आते हैं स्कूल कॉलेज का पिन कोड, तो पिन कोड आप सिंपली तो उस डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे कॉलेज है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है उसका पिन कोड डाल दीजिएगा, मान लीजिए 8452202, तो ये डाल दिए। रोल नंबर आपको सिंपली रोल नंबर लिख देना है जो आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज, CGPA, तो आप देख लेना है यहाँ पे कितने मार्क्स का हुआ था, 500 का। यहाँ पे कितना आपको मिला, 420 मिला। ओके, इतना परसेंटेज आपने कैरी किया। अब आते हैं 12th पे, मेन हमारा फोकस है 12th। ओके, 12th कैसे आप लोगों को ध्यान देना है। 12th में बच्चों को डाउट है, सर कैसे क्या होगा, 12th में पासिंग डालना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, पास्ड और अपीयर्ड। तो जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, मतलब 2023 में बोर्ड कर चुके हैं, वो पास डालेंगे। जो बच्चे
प्राइवेट है या फिर रेगुलर बच्चे जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको कैसे डालना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे 2023 में एग्जाम दिए थे बट फेल कर गए थे या फिर कंपार्टमेंट आ गया था या फिर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं या फिर एडिशनल लिए हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा बच्चों लोग को डाउट है, उस डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो फटाफट आप लोग केयरफुली रहिएगा, देखते रहिएगा। सबसे पहले कंपार्टमेंट वाले का मैं बात करता हूँ। कंपार्टमेंट वाले बच्चों को करना क्या है, कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो अप्लाई किए हैं उनको सिंपली यहाँ पे एज ए अपीयरिंग डालना है। यहाँ पे पहला चीज कंपार्टमेंट वाले को भी अपीयरिंग डालना है, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात आता है जो बच्चे फेल कर गए इन बच्चों को भी अपीयरिंग डालना है, अपीयरिंग डालना है, क्लियर। और अब आती है इंप्रूवमेंट और एडिशनल। तो इंप्रूवमेंट में जिस बच्चों का 6 सब्जेक्ट है और उसमें से एक सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, 5 में पास है, उनको पास कर दिया गया है, बट उनका जो 6ठा सब्जेक्ट में जो फेल किए हैं जो एडिशनल में चला गया है उसमें मान लेते हैं कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इसमें से कोई मेन सब्जेक्ट में से आरटी आया हुआ है, अगर उसके लिए वो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो आप लोगों को केयरफुली इसको क्लियर करना है। नहीं क्लियर कीजिएगा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में जो बच्चे हैं जिनको इस चारों में से किसी एक में आरटी लगा है बट पास हैं उनको भी अपीयरिंग डालना है, ओके, क्योंकि उनके पास अभी उसका मार्क्स नहीं है। क्योंकि नीट में क्या होता है, आपको मार्क्स दिखाना है, कितना मार्क्स आपने पाया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश में, ओके, तो उनको भी अपीयरिंग डालना है। और जो बच्चे इंप्रूवमेंट जो दिए हैं और ऑल मेन जो बच्चे इंप्रूवमेंट दिए हैं और ऑल मेन सब्जेक्ट में पास हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश में पास हैं, ओके, और एक जो मतलब एक सब्जेक्ट और है लैंग्वेज में पास है, तो उनको पास दिखाना है, क्लियर। वो अगर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए तो उनको यहाँ पे एज ए पास्ट दिखाना है, वो पास कर चुके हैं, एज ए पास्ट अप्लाई करेंगे, क्लियर। समझ में आ गया दोस्त, ये ध्यान रखना, क्लियर। इसके बाद भी नहीं आ जाता फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है जो बच्चे 2022 में, अब ये देखो यहाँ बहुत सारी कैटेगरी है, 2022 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे 6 सब्जेक्ट में उसमें से 5 में पास कर गए और एक सब्जेक्ट में वो आरटी लग गया और उन्होंने दिया नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं दिया, और बाद में वो क्या कि 2023 में 2024 में वो एडिशनल में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, और वो एडिशनल में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ऐड हो जाता है, तो उनको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तो वैसे बच्चे भी अपीयरिंग डालेंगे, ओके। जिनके पास बायोलॉजी था, बायोलॉजी में फेल कर गए थे और पास कर गए थे, तो उनको एज अपीयरिंग डालना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा उन बच्चों को जो इस कैटेगरी में है, क्लियर, उनको अपीयरिंग डालना है, ओके। अपीयरिंग डालने के बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है टारगेट, नेक्स्ट टारगेट है कि आपका पासिंग ईयर 2024 होगा, सिंपल 2024 हो गया। आपको क्वालिफाइंग एग्जाम क्या होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम क्या होगा, कोड 1 हो जाएगा। अब आप क्या हो जाएगा, कोड 1 मतलब अपीयरिंग अप्लाई कर रहा है, कोड 1 ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अर्बन या रूरल, अगर आप अर्बन से हैं, गांव से हैं, शहर से हैं तो अर्बन, रूरल से हैं तो गांव से हैं तो रूरल डाल लीजिएगा, तो मैं अर्बन डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या है, आपको देख लेना है गवर्नमेंट कॉलेज है क्या है, देख लो इसमें से कोई भी चीज, तो इसमें सिंपल प्राइवेट अनएडेड आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे एग्जामिन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में डाल दिया हूँ, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो ये भोपाल जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट बच्चे हैं, तो प्राइवेट बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है कि वो उनका स्कूल तो है नहीं, तो उनको अपना रीजनल ऑफिस का एड्रेस डालना है, यानी रीजनल ऑफिस जहाँ पे है उसका, उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं भोपाल है, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का आपको अपडेट करना है। मान लेते हैं कि आप यूपी से हैं तो इलाहाबाद होगा, क्लियर, प्रयागराज जो हो गया है वहाँ पे आपका सेंटर होगा, वो आपका रीजनल ऑफिस का एड्रेस है। तो यहाँ भोपाल डाल दिया, स्कूल नेम क्या हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, स्कूल कॉलेज नेम, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, स्कूल नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं और आपके यहाँ पे जो मार्कशीट मिलेगा, जो बच्चे प्राइवेट हैं उनका जो कंपार्टमेंट क्लियर होगा, तो उनको प्राइवेट कैंडिडेट यहाँ पे लिख के आएगा स्कूल की जगह पे, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, आपको अपने रीजनल ऑफिस का एड्रेस डाल देना है और रीजनल ऑफिस का यहाँ पे पिन कोड भी डालिएगा, रीजनल ऑफिस का
रीजनल ऑफिस का पिन कोड डालना है, क्लियर। रीजनल ऑफिस का यहाँ पिन कोड डाल दीजिएगा, रीजनल ऑफिस का यहाँ एड्रेस डाल दीजिएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। और जो बच्चे रेगुलर हैं वो यहाँ से डालेंगे, क्लियर। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था, ओके। या फिर आप प्रीवियस स्कूल भी डाल सकते हैं उसका, जिस जगह जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में था उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल सकते हैं, ओके। मान लेते हैं 450022, जो भी पिन कोड डाल सकते हैं, ओके। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वाला पिन कोड डाल देते हैं, ये वाला स्कूल का जो पिन कोड है ये डाल देते हैं, इसको नहीं डालना है, ये स्कूल का पिन कोड है, ये 2 2 4 5 5 डिजिट का है, और यहाँ पे स्कूल का नाम दिया हुआ है, तो ये भी स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसके स्कूल का नाम लिख के गूगल में आप पिन कोड आप सर्च कर सकते हैं, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो मैं कहूँगा कि आप रीजनल ऑफिस का एड्रेस डालिए और उसका पिन कोड डालिए। आप बोलोगे सर इसका एड्रेस कहाँ मिलेगा, इसका एड्रेस CBSE की वेबसाइट पे आना है, ठीक है ना। इस पर क्लिक कीजिएगा मेन वेबसाइट पे, ओके। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में जाइएगा, यहाँ पे आपको सारा एड्रेस मिलेगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ CBSE रीजनल ऑफिस बेंगलुरु भोपाल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पिन कोड हो गया, ये एड्रेस हो गया, यहीं से आपको उठा लेना है, ये एड्रेस आपको डाल देना है, ये आपको प्रूफ के तौर पे है, ओके। इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप CBSE की वेबसाइट से उठाइए, ओके। या फिर आपको अगर डाउट लगता है कि नहीं ये एड्रेस चेंज हो गया है, तो CBSE से पूछ लीजिए कि मेरा कहाँ पे है मेरा सेंटर रीजनल ऑफिस, वो बता देंगे, ओके। इस तरह से आप ले सकते हैं, ओके फ्रेंड। तो ये डाउट आई थिंक ये क्लियर हो गया और डाउट, ओके। उसके बाद आप लोग यहाँ पे रोल नंबर अपना डाल दीजिएगा, रोल नंबर कौन सा होगा, जो बच्चे कंपार्टमेंट दे रहे हैं, अभी जो रोल नंबर मिला है एडमिट कार्ड पे, एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर आया है न्यू रोल नंबर जो मिला है वही आपको डालना है बिना डाउट के, ओके। और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के अपडेट कर दीजिएगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं वैसे बच्चे, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जो 2023 में पास कर चुके हैं, ड्रॉपर हैं, उनको यहाँ पे पास दिखाना है, उनको यहाँ पे पास दिखाना है, ओके। यहाँ पे उनको पास दिखाना है, पास दिखाना है, और यहाँ पे वैसे ही पुट कर देना जैसे मैंने बताया है, अपना स्कूल का नाम डाल दीजिएगा जो आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है, और उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड जहाँ पे वो स्कूल है, ओके। क्वालिफाइंग जनरेशन क्या होगा, कोड 2 डालना है, कोड 2 ये ध्यान रखिएगा, प्राइवेट स्कूल से प्राइवेट अनएडेड, NIOS से है तो ओपन डालना है, केंद्रीय विद्यालय से केंद्रीय विद्यालय, NIOS पे मैं वीडियो लेके आऊंगा, आप लोग बताना कि आप लोग वीडियो चाहिए तो बताना, प्राइवेट अनएडेड। यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है, यह ध्यान रखना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब आपका स्कूल का डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, ओके। मान लेते हैं कि आपका UP के हो तो लखनऊ में अगर स्कूल है तो उस स्कूल का डिस्ट्रिक्ट लखनऊ हो गया और पिन कोड भी लखनऊ हो गया, क्लियर। यहाँ पे CBSE बोर्ड का ये रोल में डाल देना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट मोड, कौन सा मोड है आपका, परसेंटेज में है कि CGPA में है, तो परसेंटेज हम दे देते हैं। यहाँ पे कितने मार्क्स का हुआ था, 500 मार्क्स का, कितना मिला आपको, 450 मिला, वेरी गुड। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी का एंड बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ सब्जेक्ट का रोल में डाल ये नंबर डालना है, तो कितने मार्क्स का था, तो 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है CBSE में, कितना मिला आपको, 70 मिला, 22 मिला, केमिस्ट्री में मिला 100 मार्क्स का था, इससे मिला 85 मिला, ओके। प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के दोनों को ऐड करके आपको डालना है। फिजिक्स में क्या हो गया, ये भी 100 मार्क्स का था, इसमें कितना मिला, तो 48 मिला। बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में कितने का था, 100 का था, यहाँ पे 76 मिला। और आप लोग जो बाकी जो बोर्ड के हैं उनका अगर 200 का है 150 का है तो उस हिसाब से यहाँ पे आप डाल देना, क्लियर। वेरीफाई करके आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना, तो इस तरह सबका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट है बच्चों का, 11th को लेकर बच्चे काफी परेशान है, तो यहाँ पे अगर आप पास नहीं है, अगर आप 11th फेल है या फिर 11th नहीं दिया जाए, 12th दे रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, सारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप 11th को हटा भी सकते हैं अगर आप फेल कर गए हैं या फिर मार्कशीट नहीं है आपके पास, तो क्लियर, ओके। आई थिंक अब आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आप अपने खुद से अप्लाई कर सकते हैं
और इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और जो बच्चे नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको फॉर्म अप्लाई करने में अभी भी डाउट है तो वो हमारी टीम से अप्लाई करवा सकते हैं, ये हमारा नंबर है, ये केकेपी क्लासेस है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और जो बच्चे एनआईओएस के हैं उन सब बच्चों के लिए भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आपको, तो आप लोग का डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए था, ओके। तो एनआईएस का जल्द से जल्द अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि एनआईएस का भी हमको चाहिए, तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। मिलते हैं वीडियो में, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।